Hello my dear student, I am Muskan Singh, your English teacher. My dear students, in this video we will discuss about your second chapter, the seed from your real English book. So let's start. Long, long ago in China, there lived a wise emperor whose once dark breed had turned the color of new fallen snow. बहुत समय पहले चाइना में एक बहुत होशियार राजा रहता था जिसकी डार्क चोटी अब गिरते हुए बर्फ़ के जैसे सफ़ेद हो चुकी थी. ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा हो चुका था. एंड इट वॉज टाइम फॉर हीम टू चूज़ अ सक्सेसर, और यह जो समय था अब एक सक्सेसर चूज़ करने का था. ऑल्थो ही हैड मेनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स टू चूज़ फ्रॉम, द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हायर्स लेजी. जबकि उसके पास उसके बहुत सारे पुत्र थे, बहुत सारे ग्रैंड सन्स थे, लेकिन फिर भी वो उनमें से चूज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि द एम्परर फेल्ट दैट द पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हायर्स लेजी. क्योंकि वो ये सोचता था, एम्परर ये सोचता था कि जो पावर है और जो धन है, इन चीज़ों ने जो उनके पुत्र हैं और जो उनके ग्रैंडसन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्या बना दिया है, लेज़ी बना दिया है. ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली. इस वजह से वह फैमिली से मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और को सक्सेसर चूज़ करना चाहता था. ओके, आगे देखते हैं. लाउड ट्रम्स कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ बटन. व्हेन दे अराइव द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिसेंट थ्रोन अनाउंस इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर. और उसने क्या किया, सभी लोगों को बुलाया, जो वहाँ का मंदिर था जो कि माउंटेन पे था, वहाँ सभी लोगों को बुलाया गया. व्हेन दे अराइव द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिसेंट थ्रोन अनाउंस इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर. जब वहाँ पे वे सभी लोग जब वहाँ पे पहुँच गए तो एम्परर अपने जाके सिंहासन पे बैठे और उन्होंने अनाउंस किया कि यह जो समय है अब नेक्स्ट एम्परर चूज करने का टाइम है. ओके, आगे देखो. द सॉक टाउन्समैन विस्पर एमॉन्ग देमसेल्फ नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपेंड बिफोर. और जो टाउन्स मतलब जो उस टाउन के लोग थे वो सभी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, शॉक्ड हो गए और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, बातचीत करने लगे. इस वजह से क्योंकि नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपेंड बिफोर, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. The emperor continued, today each of you will take a seed, in one year you will bring your plant to the temple. और तब जो emperor थे अपनी बात को continue रखे और उन्होंने क्या कहा कि today each of you will take a seed, in one year you will bring your plant to the temple. आज आप सभी को इसमें से एक एक सीड लेना होगा, सीड मीन्स की बीज, ठीक है. और इन वन ईयर यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल, और एक साल बाद आपको उस प्लांट को मीन्स की जो सीड दिया है, जब उससे प्लांट बन जाएगा तो आपको क्या करना होगा, मंदिर में उसे लेके आना होगा. अ गोल्डन बॉल फिल्ड विथ सीड्स वॉज सेट बिफोर द क्राउड. और जो गोल्डन बॉल था जिसमें कि सारी सीड्स रखी हुई थी, उसे क्राउड जो भीड़ था उसके बीच में रख दिया गया. एंड ईच पर्सन टुक जस्ट वन सीड, अ यंग मैन नेम चून वास लास्ट इन लाइन, ही चूज हिज सीड केयरफुली. और प्रत्येक व्यक्ति को उसमें से एक सीड लेना था, ठीक है. और जो एक यंग मैन था जिसका नाम क्या था, चून था, ठीक है, वो लाइन के बिल्कुल लास्ट में खड़ा था. ही चूज हिज सीड केयरफुली, उसने अपने सीड को बहुत ही केयरफुली चूज किया. ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ. होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फीट ही रैन होम टू टेल हिज मदर. सी लिसेंड टू द स्टोरी एंड गिव हिम अ ब्यूटिफुल ब्लू एंड वाइट पर्कलिंग बॉल. वो अपने फिस्ट में बहुत ही टाइटली होल्ड किए हुए अपने घर की तरफ भागा अपने मम्मी को स्टोरी बताने के लिए. एंड जब उसकी मदर ने ये स्टोरी सुना तो उसे एक ब्लू एंड वाइट कलर का मिट्टी से बना हुआ बॉल दिया. चून प्लेस पेबल्स एंड देन स्वाइल इन द वॉल एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सील. फिर क्या हुआ, जब चून ने क्या किया, उस बॉल में पेबल्स को डाला और कुछ मिट्टी को डाला और उससे बहुत ही नम्रता के साथ उस बीज को बो दिया. इस डे चून केयरफुली वाटर्ड द सी ही वास्ट एंड वेटेड. प्रतिदिन जो चून था बहुत केयरफुली उसमें उस बीज में पानी देता था और उसका इंतज़ार कर रहा था. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था. अदर्स टॉक अबाउट देयर प्लांट एंड प्लांट्स दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल. देखो, जो अदर लोग थे वो सभी उस प्लांट के बारे में बातचीत करते थे कि उनका जो प्लांट है वो अब मिट्टी से बाहर आ चुका है
सॉरी जो सीड है, ठीक है, एक प्लांट के रूप में बन के बाहर आ रहा है, बट विक पास्ट एंड स्टील चून सीड डिड नॉट स्प्राउट। बहुत हफ्ते बीतते गए लेकिन अभी भी जो चून का बीज था अभी स्प्राउट नहीं हुआ था, अंकुरित नहीं हुआ था। ओके, आगे देखो। समथिंग रॉन्ग चून थॉट, चून ये सोचता था कि कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बट ही डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड। लेकिन वो हार नहीं माना और वो क्या करता रहा, उस सीड में पानी देता रहा। अदर मैन इन द विलेज वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट इन टू बिगर कंटेनर। और जो अदर मैन थे उस गाँव के, जो अदर लोग थे, वो एक अपने उनका जो ओरिजिनल प्लांट था उस छोटे से कंटेनर से बड़े से कंटेनर में क्या कर रहे थे, ट्रांसप्लांट कर रहे थे। ओके, चून थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर अ मिरेकल। देखो फिर आगे क्या हुआ, चून ये सोच रहा था कि कुछ तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और इस वजह से वो मंदिर में जाके किसी चमत्कार के लिए वो प्रे भी करता था। 6 months went by and still nothing grew in his blue and white ball. देखो 6 महीने बीत गए लेकिन अभी भी उस ब्लू और वाइट बॉल में, मतलब कि जो सीड रखा हुआ था, अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। Could I have killed my seed with too much water? अब देखो चून क्या सोच रहा है, अब वो ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बहुत ज़्यादा वाटर दे के अपने सीड को मार दिया। ही wondered ऑल अराउंड इन द विलेज देयर वर कंटेनर फिल्ड विद वंडरफुल लुकिंग प्लांट। जबकि वो ये सोच रहा था, और जबकि मतलब उसका जो गांव था उसमें जितने लोगों ने लेकर आया हुआ था उन सभी लोग का, ठीक है, जो देयर वर कंटेनर फिल्ड विद वंडरफुल लुकिंग प्लांट, उनका जो कंटेनर था वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट के साथ क्या था, फील्ड था। बट चून के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से वो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी दे के मैंने अपने सीड को मार डाला। बट चून सीड हैड नॉट एट स्प्राउटेड। देखो गाँव के सभी लोग के जो सीड थे वो स्प्राउटेड हो चुके थे, लेकिन चून का जो था, बट चून सीड्स नॉट एट स्प्राउटेड, लेकिन चून का जो सीड था वो अभी भी अंकुरित नहीं हुआ था। द 1 year मार्क अराइव एंड इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट अप द माउंटेन टू द टेम्पल। अब क्या हुआ, 1 साल अब बीत चुका था और अब यह जो समय था, इस टाइम क्या करना था, इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट अप द माउंटेन टू द टेम्पल। और अब यह जो समय था उस प्लांट को, जो कि टेम्पल था माउंटेन पे था, वहाँ अब लेकर जाना था, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल, चून सैड टू हिज मदर। चून ने अपने मम्मी से कहा कि मैं ऐसा खाली बॉल नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं नहीं लेके जाऊँगा, मीन्स कि वो मना कर रहा था लेके जाने से। तो उसकी मदर ने क्या कहा, यू मस्ट गो, सी इनकरेज्ड, यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस। उसकी मदर ने क्या कहा, यू मस्ट गो, तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, यू आर सी इनकरेज्ड, मतलब उसकी जो मदर थी उनका, चून का उन्होंने साहस बढ़ाया और उन्होंने कहा कि यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तुमने अपना 100% दिया है, तुमने अपना पूरा बेस्ट किया है, और एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और तुम्हें अपना प्रॉमिस बिल्कुल निभाना चाहिए। आगे देखो, ऑल्दो चून फेल्ट सैड एंड अ लिटिल इम्प्रेस्ड। देखो, और जबकि जो चून था अभी भी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, सैड फील कर रहा था और थोड़ा इम्प्रेस्ड भी, थोड़ी शर्मिंदगी भी उससे फील हो रही थी। ही कैरिड हिज एम्प्टी बॉल अप द स्टीप स्टोन स्टेप दैट लीड टू द टेम्पल। व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप there were so many plants that it was easy to hide his empty ball among them. देखो फिर क्या हुआ, ही कैरिड मतलब वो अपना एम्प्टी बॉल ही लेके उस मंदिर पे गया, और जब वो वहाँ पहुँचा, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत प्लांट थे, ठीक है, और इट वॉज ईजी टू हाइड हिज एम्प्टी बॉल अमॉन्ग देम, और ये बहुत ज़्यादा आसान था उसका जो एम्प्टी बॉल था उस चीज़ को छिपाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मीन्स कि वो बॉल, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स थे ना, तो प्लांट्स लगे हुए थे, तो उसमें अब वो एम्प्टी बॉल को तो आसानी से छुपाया ही जा सकता है, तो वही इसी बात को वो सोच रहा था। आगे देखो,
These are the most beautiful plant I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne. जैसे ही जो emperor थे जो अपने throne अपने सिंहासन पे बैठते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि there are the most beautiful plant I have ever seen, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत पौधे हैं, मतलब उनके कहने का मतलब था कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लांट है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था. उन्होंने अपने सिंहासन पे बैठ के ये चीज़ एक्सप्लेन किया. ऐसे स्टूड अप एंड वॉक अराउंड, जैसे ही वो खड़े हुए और चारों तरफ घूमना स्टार्ट किए, ही नोटिस द एम्प्टी बोल ब्लू एंड वाइट पॉर्क्लिन बॉल बिहाइंड अ बिग प्लांट. ठीक है, तो जैसे ही वो चलना स्टार्ट किए उन्होंने क्या नोटिस किया, एक एम्प्टी बॉल था जो कि ब्लू एंड वाइट कलर का था. ठीक है, और वो उसे क्या के मतलब वो एक बिग प्लांट के पीछे क्या था, छिपा हुआ था. व्हाट इज दिस, ही क्वेश्चन होल्डिंग द बॉल इन हिज हैंड, उन्होंने पूछा यह क्या है, क्वेश्चन किया उस बॉल को अपने हैंड में अपने हाथ में रखे हुए. ठीक है, चू ट्राइड टू हाइड बट दोस नियर हिम लॉफ्ट एंड पॉज्ड हिम फॉरवर्ड, चूज जो था वो छिपने का कोशिश कर रहा था लेकिन जो उसके आसपास थे वो हंसने लगे और उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिए. ओके, व्हाट इज़ योर नेम, द एम्परर आस्क्ड, एम्परर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है. माय नेम इज चून, ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप, उसने अपना नाम बताया, माई नेम इज़ चून, मेरा नाम चून है, और ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप, और मतलब धीरे से सहमते हुए उसने बोला और बिना देखे. ओके, आगे देखो क्या होता है. व्हाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बॉल, ही क्वेश्चन, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम मुझे खाली बॉल क्यों ला के दे रहे हो. माई सीट डिड नॉट ग्रो, चून रिप्लाइड आई फेल्ड, तो चून ने रिप्लाई किया कि मेरा जो सीट था वो ग्रो नहीं किया, मैं फेल हो गया. यू डिड नॉट फेल, द एम्परर सेड, तो एम्परर ने कहा तुम असफल नहीं रहे. लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम, बट द सीड आई गेव यू हैड बीन वाइल्ड, नॉन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन. उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर जो मैंने सीड दिया था और आप सभी को बोने के लिए कहा था, वो सीड क्या था, वॉयल था, उबाला हुआ था, और किसी के लिए भी यह पॉसिबल नहीं था कि वो उसे क्या कर सके, ग्रो कर सके, उसे उगा सके. ही रेस्ट हिज वॉइस एंड स्पोक टू द क्राउड, और उन्होंने अपने आवाज़ को ऊंचा किया और जो भीड़ लगी हुई थी, जो भीड़ था उसमें बोला कि वैन यू फाउंड आउट दैट योर सीड वुड नॉट स्प्राउट, जब आप सभी ने देखा कि आपका जो सीड है वो अंकुरित नहीं हो रहा है, यू सब्स्टिट्यूटेड अदर सीड, तो आपने उसके जगह अदर सीड को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओनली वन पर्सन हैड इनफ ऑनेस्टी एंड करेज टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड, सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास इतनी हॉनेस्टी और इतना साहस था कि उसने मुझे ओरिजिनल सीड लाके दिया. दैट इज अ वाई चून विल बी द नेक्स्ट एम्परर, यही रीज़न है कि जो चून है वो नेक्स्ट एम्परर होगा. नाउ योर चैप्टर इज एंड, आप सभी पीडीएफ के थ्रू अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना. तब तक के लिए गुड बाय.